गुरुवार को सुदियामऊ कस्बे के पास एक क्रिकेट टूर्नामेंट लोगों ने आयोजित किया। इस टूर्नामेंट में सुदियामऊ और पास के ही गांव खलासापुर की टीमें प्रतिभाग कर रही थी, जिसके बाद मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में तनाव हो गया और कुछ लोगों ने कस्बे की कई दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। स्थिति को पुलिस नियंत्रित बता रही है। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक आरएस गौतम के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस को लगाया गया है और नामजद 4 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। वहीं पीड़ित दुकानदार ने बताया कि 20 से 25 लोग आए थे और दुकान में जमकर तोड़फोड़ कर दी है। हुआ यह कि दुकान हमारे कुछ लोग आए, वो खलसापुर के थे और उन्होंने इसको उल्टी की तोड़ दी। सब सामान भी हमारा इसमें खराब हो गया जितना था। 7-8 लड़के आए और रवि के साथ मारपीट किए। इस सूचना पर थाना रामनगर की पुलिस मौके पर पहुंची और तथ्यों की छानबीन की गई। पीड़ित की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 4 जो है नामित अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है, विवेचना की जा रही है।